नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर के जिला अस्पताल में कर्मचारी द्वारा आशाओं के साथ अभद्रता को लेकर आशाओं ने सीएमओ कार्यालय में और साथ ही एसआईसी कार्यालय में जमकर धरना प्रदर्शन किया है। आशाओं ने कहा है कि जिला महिला अस्पताल में कर्मचारी अहद हुसैन उर्फ छोटू आशाओं के साथ गंदी हरकतें करता है, वही औरतों को अपने पैर की जूती समझता है। वही आशाओं ने महिला जिला अस्पताल बता दें कि अस्पताल प्रभारी से मुलाकात की है और कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अस्पताल से नहीं हटाया गया तो हम लोग आंदोलन करने को मजबूर है। आशाओं ने लगाया है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, किस तरह का अस्पताल प्रबंधन एक्शन लेगा, क्या रहा? देखिए, मेरे संज्ञान में आ चुका है और मुझको एक इसके लिए शिकायती पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिस पर मैंने दो लोगों को जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच जिससे कराई जा रही है, 3 दिन का समय दिया गया है जांच के बाद रिपोर्ट देने के लिए। जैसे ही रिपोर्ट आती उसके बाद जो भी संभव हो गया था उसे वो कार्रवाई कर दी जाएगी। यूपी के फतेहपुर में गौवध और साथ ही विस्फोटक अधिनियम के मामले में दर्ज मुकदमे के बाद फरार चल रहे 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से अवैध गांजा बरामद कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जेल भेजने पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बता दें कि जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मोहर गाँव के पास 3 शातिर अपराधियों के खड़े होने की जानकारी मुखबिर के पुलिस को दी थी, तो वही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वही पुलिस ने देखकर तीनों अपराधी भागने लगे, जिसके बाद से दौड़कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को उनके पास से एक बड़े झोले में अवैध गांजा बरामद मिलने के बाद से थाना में लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं श्रावस्ती में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने उच्च प्राथमिक विद्यालय आह्लाद नगर का औचक निरीक्षण किया है। रसोई निरीक्षण के दौरान मीनू के अनुसार भोजन नहीं बनने पर प्रधानाध्यापक अशोक कुमार को डीएम ने फटकार लगाई है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और साथ ही सहायिकाओं को भी जमकर डीएम ने फटकार लगाई है। आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में 70 फीट गहरे कुएं में 2 महीने का पिल्ला गिर गया। वहीं 2 घंटे तक रेस्क्यू चलाया गया, जिसके बाद करीबन एनजीओ ने रेस्क्यू किया और बता दें कि इस दौरान 48 घंटे बाद सकुशल पिल्ले को बाहर निकाला गया। वहीं उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कर्मी बिजलामाऊ गांव में दिन दहाड़े कुल्हाड़ी मारकर अध्यक्ष की निम्न हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि गांव के ही रहने वाला दबंग ददन का परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। हत्यारों ने अध्यक्ष के सर पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम एडिशनल एसडीएम शशि शेखर सिंह और सीईओ सिटी समेत भारी पुलिस फोर्स के जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस ने शव के पास से कुल्हाड़ी बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गोरखपुर में 4 अप्रैल बता दें कि गोरखनाथ मंदिर परिसर में पीएसी के जवानों द्वारा पर हमले के बाद से पकड़े गए आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के विशेष अदालत एनआईए एटीएस कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वही मुर्तजा गोरखपुर के थाना कैंट में सिविल लाइन का निवासी है। बता दें कि इस घटना को लेकर 4 अप्रैल की ही घटना है, जहां पर आज 9 महीने बाद भी विशेष अदालत के मुर्तजा अब्बास को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें कि ये पूरा मामला जो है 4 अप्रैल 2022 का है, जिसके बाद से अब आरोपी को सजा सुनाई गई। वह हरदोई में महिला की आंखों में मिर्ची झोंकने का मामला सामने आया है। बता दें कि हादसे के बाद से कान के कुंडल छीने गए हैं और बैंक से रुपए निकालने जा रही थी ये महिला, जिनके कानों
के कुंडल जो है वो छीन लिए गए, जिसके बाद से वहां पर हड़कंप मच गया है। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जयपुर स्थित श्री साई इंटर कॉलेज में परीक्षाओं पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बच्चों के उत्साहवर्धन किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को देखते हुए श्री साई इंटर कॉलेज के सैकड़ों बच्चे शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में संयोजक भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में किया गया है। बच्चों को संबोधित करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अपने उद्देश्य के लक्ष्य से भटकना नहीं है। बताते चले की कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के मंच पर आते ही बच्चों ने अपने स्थान से खड़े होकर अभिवादन किया है और सभी बच्चों ने ध्यान पूर्वक प्रधानमंत्री की बातों को सुना है। प्रधानमंत्री ने अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहे सहित कई मूल्य मंत्र दिए हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ है परीक्षा पे चर्चा, उस पर क्या कुछ उद्देश्य रहा और इस बार क्या कुछ खास रहा है बच्चों के लिए प्रधानमंत्री जी के लिए? जैसा कि आप सभी को पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर उस विषय को छूना चाहते हैं जिससे देश की गति बढ़े और लोगों में मोदी जी और देश के प्रति जो संभावनाएं हैं उनको कैसे हम गति दें, इस पर पूरा फोकस उनका रहता है। इसी के उद्देश्य को लेकर के आज की जो परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम किया गया है कि उसी को उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आगरा में हुए हादसे पर पीड़ितों को धमकाया है। बता दें कि ये मंत्री मुआवजे का चेक देने गए थे। पीड़ितों ने कहा है कि चेक लेना है तो लो वरना मत लो। वहीं अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय से निकलते ही बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बोला है कि आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं है और बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं है। जो कोई भी हमको बुलाता है उससे बीजेपी नाराज रहती है। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि मां पीताम्बरा के महायज्ञ में सम्मिलित होने और साथ ही अयोग्य से मिलने आया था। मैंने परिक्रमा किया है और आशीर्वाद लेकर आया हूँ। बीजेपी के लोगों के पेट दर्द हो रहा है। को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको यह तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा, कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था, रात में हटा दी और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया को आप सुन रहे थे अखिलेश यादव, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कार्यालय से निकलते ही उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरते नजर आए हैं और साथ ही आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं है और बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं है ये कहते नजर आए हैं। साथ ही उनको ये भी कहना है कि जो हमें बुलाता है उससे बीजेपी नाराज रहती है। सपा अध्यक्ष का कहना है कि मां पीताम्बरा के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए और आरोग्य से मिलने के लिए आया था। मैंने परिक्रमा किया है और आशीर्वाद लेकर आया हूँ, लेकिन बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लगातार बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव नजर आए थे। और बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही आरएसएस और बीजेपी को लेकर घेरते हुए नजर आए थे। उनका यह भी कहना था कि जो भी मुझे बुलाता है बीजेपी का पेट में दर्द क्यों होता है, वे लगातार इस बातों को लेकर बीजेपी को जमकर निशाना साधते हुए नजर आए थे। देश में पिछले दो दिनों से गणतंत्र दिवस से ज्यादा प्रमुख अदानी उद्योग ग्रुप के संबंध में अमेरिकी बता दें कि फर्म हिंडनबर्ग की आई नेगेटिव रिपोर्ट और उसका शेयर बाजार पर व्यापक बुरा प्रभाव आदि काफी चर्चाओं में है। सरकार चुप है जबकि देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई उससे ही जुड़ी हुई है। संसद में 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में प्रारंभ में ही सरकार को इस मुद्दे पर विस्तार से स्वयं को वक्तव्य सदन के दोनों सदन में रखना चाहिए ताकि पूरे देश में खासकर अर्बन मिडिल क्लास परिवारों को आर्थिक जगन और साथ ही अडानी ग्रुप आदि को लेकर छाई बिछौनी और साथ ही मायूसी थोड़ी कम हो सके।
वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के बाद से संतों महासंतों धर्म आचार्यों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि देश की महिलाओं आदिवासी दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या कर दी, मानो भूचाल सा गया। एक एक करके संत महासंत धर्माचार्य का असली चेहरा बाहर आ गया है। बता दें कि रामचरितमानस को लेकर इनके तमाम बयान सामने आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य के, जिसके बाद से लगातार घमासान तेज थी और इसको लेकर तमाम पार्टियां उनको घेरती भी नजर आ रही थी। और इसके बाद से अब खुद स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संतों महासंतों धर्म आचार्यों पर सवाल उन्होंने क्या उठाए, सियासत ही बदल गई और भूचाल सा आ गया है। उन्होंने कहा है कि देश की महिलाओं आदिवासी दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या कर दी, मानो भूचाल सा आ गया। एक एक करके संत महासंत धर्माचार्य का असली चेहरा बाहर आ गया है। और ये ट्वीट आप देख रहे हैं किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए ये बात साझा की है। और बता दें कि रामचरितमानस पर इनका एक बयान सामने आया था, जिसके बाद से काफ़ी सियासत गर्म थी, काफ़ी विवादित बयान आ रहे थे उसके बाद से, और इनको विपक्ष की पार्टियां घेरते हुए साफ तौर पर नजर आ रही थी, जिसके बाद से अब इनका एक बयान सामने आया है। वही पुलिस अधीक्षक नगर प्रवीण रंजन जनपद बिजनौर द्वारा विधान परिषद खंड स्नातक निर्वाचन बरेली में मतदान बूथ क्षेत्र नगर पालिका परिषद और पंचायत कार्यालय नजीबाबाद का निरीक्षण किया गया है और सर्वसम्बन्धित को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। बिजनौर में दो पुलिसकर्मियों ने वर्दी को दागदार करते हुए अपने दोनों गुर्गों से मिलकर एक कंटेनर चालक से 20 लाख की डिमांड कर डाली और साथ ही कंटेनर चालक को चारों लोगों ने एक राय होकर कमरे में कैद कर लिया गया और साथ ही 20 लाख की डिमांड करने लगे। मामले में कंटेनर मालिक की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जाँच के दौरान दो पुलिसकर्मियों के चेहरे से ही नकाब उतरा और पुलिस के मामले में शामिल दोनों पुलिसकर्मियों को उनके दोनों साथियों को गिरफ्तार किया गया। और ये बिजनौर का पूरा मामला जहां पुलिसकर्मियों अपनी वर्दी को दागदार करते हुए नजर आए हैं, 20 लाख की डिमांड करते हुए नजर आए हैं कंटेनर चालक से, जिसके बाद से इस मामले की जानकारी पुलिस विभाग को दी गई और इसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों साथी को गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि ये दोनों पुलिसकर्मी अपने गुंडों के साथ मिलकर एक कंटेनर चालक से 20 लाख की डिमांड करते नजर आए थे। कंटेनर चालक को चारों लोगों ने एक राय होकर कमरे में भी कैद कर दिया था, जिसके बाद से कंटेनर मालिक ने इस मामले को लेकर पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस ने अब दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर थाना कोतवाली नजीबाबाद इलाके में लुटेरे गैंग के 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बता दें कि नजीबाबाद में व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 बदमाशों के पास से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई है। अन्य फरार बदमाश की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। चांदपुर में 25 जनवरी की रात को हुए विशाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या में शामिल आरोपी को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। शराब पीने के दौरान पैसे मांगने को लेकर दोस्तों ने ही उनके दोस्त की मौत को घाट उतार दिया है। मौत के घाट उतारने के बाद से बिजनौर जनपद में चांदपुर क्षेत्र के गाँव नजरपुर के 25 जनवरी की रात को विशाल का गोली लगा और साथ ही खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया था। सूचना पर पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए एसपी ग्रामीण और साथ ही सीओ चांदपुर सुनीता दहिया ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पुलिस को तत्काल घटना के खुलासे करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए हत्या के कारण से पर्दाफाश कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दिनांक 25 तारीख को रात्रि लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को मार करके उसका शव नजरपुर में
एक व्यक्ति के घर के सामने फेंक दिए हैं। इस सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा भी जाकर के मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो उनके द्वारा तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके इसमें कार्रवाई प्रारंभ की गई। मृतक का जो शिनाख्त थी, जो है पहचान हुई, उसका नाम विशाल उर्फ गोलू निवासी अलावलपुर का रहने वाला था, जो नजरपुर के बगल में उसका गांव है। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में उसकी मृत्यु एक हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट और गोली लगने से पाई गई है। और चांदपुर का यह पूरा मामला, जहां 25 जनवरी की रात एक हत्याकांड का मामला सामने आया था, पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगातार जुटी हुई थी और अब जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि ये जो अवैध हथियार के साथ इन्हें जेल भेजने की कवायद लगातार शुरू हो गई है। बता दें कि आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही अब आरोपी पर तमाम तरह की कार्रवाई होगी, पूछताछ भी की जाएगी। साथ ही बता दें कि ये 25 जनवरी की रात का ये पूरा मामला है और इस दौरान शराब पीने के दौरान पैसे मांगने को लेकर दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और इसको लेकर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इस मामले को लेकर खुलासा किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही अब आरोपी को जेल भेज दिया जाएगा। और बता दें कि बिजनौर जनपद के चांदपुर क्षेत्र के नजपुर में 25 जनवरी की रात विशाल का गोली लगने के कारण खून से लथपथ शव मिलने के बाद से यह हड़कंप मचा हुआ था और इसको लेकर पुलिस मामले को काफ़ी गंभीरता से जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही थी। एसपी ग्रामीण और सीओ चांदपुर सुनीता दहिया ने इसका निरीक्षण करते हुए, घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए उन्हें निर्देश दिया था पुलिस को कि इस मामले को लेकर तत्काल जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, जिसके बाद से पुलिस ने अब बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इस मामले का खुलासा कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। बाराबंकी में मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के क्रम में बाराबंकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि अलग अलग थानों में पुलिस ने कुल 5 स्वाति तस्करों को गिरफ्तार करने और उसके पास से अंतर्राष्ट्रीय कीमत के लगभग 27 करोड़ का मार्फिन और स्मैक बरामद किया है। जैतपुर पुलिस ने कुल 23 किलो 100 ग्राम मार्फिन स्मैक के साथ 2 स्वाति तस्करों को गिरफ्तार कर फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ लगातार कर रही है। कोतवाली नगर के कोतवाली इंस्पेक्टर संजय मौर्या और थाना जयपुर के इंस्पेक्टर धीरेन्द्र दास सिंह की ज्वाइंट टीम ने, इन्होंने बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है, गिरफ्तारी की है और बरामदगी की है। इस गैंग से दोनों को दें तो 27 किलो के आसपास स्मैक की बरामदगी हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 27 करोड़ से अधिक बताई गई है और इस एक बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। इसमें जो शामिल मारूफ है एक हिस्ट्री सीटर है और उसके हिस्ट्री सीट भी ड्रग्स के धंधे में संलिप्तता के निगरानी के लिए खुली थी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। वो ऑलरेडी वांछित भी था। इसमें जो अलीम साधु है वो ऑलरेडी वांछित था एनसीबी द्वारा। इसके अलावा जो जीपी गिरफ्तार हुआ है सनाउल्ला हुए और कैफ, इसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जिनसे ये गिरफ्तारी और बरामदगी हुई है। और पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर बता दें कि अलग अलग थानों से 5 शातिर तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय, बता दें कि इनके पास से तमाम चीज़ें बरामद कर ली गई है और इस दौरान 27 करोड़ की मार्फिन स्मैक बरामद करने के बाद पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। जयपुर पुलिस ने कुल 23 किलो 100 ग्राम मार्फिन स्मैक के साथ 2 शातिर को गिरफ्तार किया है और इस दौरान आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है कि इस मामले को लेकर और भी आरोपी शामिल होने की संभावना है, जिसको लेकर ये पूछताछ पुलिस की तरफ से की गई है और 5 शातिर को बरामद करते हुए पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बिजनौर में आगामी त्यौहार को लेकर पुलिस अलर्ट दिख रही है। आगामी त्यौहार राम दिवास जयंती को लेकर और साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर नरपुर थाना प्रांगण में बैठक का भी आयोजन किया गया है। बैठक में नगर और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों ने भाग लिया है। एसडीएम ने ऋतु रानी और साथ ही सीओ सुनीता दहिया ने भी सभी से त्यौहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील करते नजर आए हैं। जनपद बिजनौर के थाना नरपुर का ये पूरा
मामला बताया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।